दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे देश में संविधान और कानून दोनों ही हैं, परंतु संविधान नेता अपने हिसाब से बदल लेते हैं, और रही कानून की बात तो कानून हर श्रेणी के लोगों के लिए अलग है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, हमारे यहाँ कानून भी एक श्रेणी के हिसाब से, मतलब अगर आप बड़े रईसदार या कोई नेता हैं तो आपके लिए अलग कानून है, अगर आप कोई सरकारी अधिकारी हैं तो आपके लिए अलग कानून है, और अगर आप एक आम जनता है तो ये समझ लीजिए सारे कानून सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कानून नेताओं के लिए, बड़े लोगों के लिए अलग होता है। वो कैसे? दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो महाशय दिख रहे हैं ये बिहार के जेडीयू के गोपालपुर के विधायक हैं। इनका नाम है नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल जी। इनको आप देख सकते हैं कि ये एक अस्पताल में गए हुए हैं और बाकायदा इनके हाथ में एक रिवाल्वर है, ये रिवाल्वर लेके पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं। अब माजरा क्या पूरा मैं आपको बताता हूँ। दरअसल में गोपाल जी, नीरज जी जो है विधायक साहब, ये अपनी पोती का सीटी स्कैन कराने जवाहर नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पहुँचे थे, और जहाँ जब ये पहुँचे तो इनके हाथ में पिस्टल थी। वैसे तो ये एक MLA विधायक हैं और आप देख सकते हैं बाकायदा इनकी अपने साथ इनकी सिक्योरिटी भी है, परंतु उसके बावजूद भी ये हाथ में लिए रिवाल्वर लेके पूरे अस्पताल में घूमते रहे। ठीक है, अब मजे की बात पता है कि जब मीडिया कर्मचारियों ने इनसे पूछा कि सर आप हाथ में पिस्टल या रिवाल्वर लेके क्यों घूम रहे हैं, तो इनका जवाब पता क्या था? इन्होंने कहा, जो इनके वर्ड टू वर्ड जो जवाब थे, शब्द जो थे, वही मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी तो क्या कर लेगा पुलिस प्रशासन। फुलन देवी MP थी, फिर भी उनको उनके गेट के आगे उनकी हत्या कर दी गई। हम अपनी सुरक्षा में अपने हाथ, कमर और गाड़ी में हथियार रखते हैं। तो दोस्तों खुली इन्होंने बात बोली कि इनको प्रशासन और पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, इसके लिए ये पिस्टल लेके हाथ में घूम रहे हैं। खैर, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये इनके पास लाइसेंस है, परंतु दोस्तों आप भी जानते हैं अगर जिनके पास लाइसेंस ही हथियार होते हैं वो भी इस तरह अपने हथियारों को हाथ में लेके नहीं घूम सकते। क्या ये किसी कानून में लिखा हुआ है? अगर है तो वो बताएं, अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं इन्होंने सीधा सीधा कानून का उल्लंघन किया है, और वो भी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए। तो दोस्तों इन महाशय जी की गिरफ्तारी की अब मांग की जा रही है लोगों के द्वारा कि भैया इनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये खुलेआम इस तरह से एक पिस्टल रिवाल्वर लेके घूम रहे थे। क्योंकि अगर यही काम किसी आम आदमी ने किया होता, वैसे तो पिस्टल का लाइसेंस किसी आम आदमी को मिलता नहीं है, परंतु किसी और ने अगर इस तरह से अपने लाइसेंस से रिवाल्वर लेके घूम रहा होता तो अब तक ये अरेस्ट हो गया होता और बकायदा जेल में बैठा होता। अब ये महाशय जी क्यों बाहर है, इसका जवाब हमारे प्रशासन को ही देना पड़ेगा, नीतीश सरकार को देना पड़ेगा कि ये महाशय क्यों हाथ में पिस्टल लेके घूम रहे हैं और उसके बावजूद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो, सच्ची लगी हो, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।